क्योंकि हत्याओं का, अपहरण का, इस तरह का कनेक्शन भगवान के नाम पे, भगवान के नाम से आप कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है, जो कि तमाम तरह की लिंचिंग में जिसका हाथ है, मर्डर्स में हाथ है, किडनैपिंग में हाथ है, बलात्कार में हाथ है, और तमाम तरह के जितने भी जुर्म हो सकते हैं, तमाम तरह के जो है गुनाहों में जिस दल का हाथ है, उस दल से प्रधानमंत्री जी खुद को कनेक्ट कर, चाहे राजस्थान में भी गोरक्षा के नाम पर लाकर, और भाजपा शासित हरियाणा में जो है दो युवकों को जिंदा जलाया गया, उसमें बजरंग दल का नाम आया, तमाम गोरक्षा के नाम पर गुंडई और लिंचिंग करने का काम जो है बजरंग दल करता रहा है, तमाम जो है वैलेंटाइंस डे पर जो प्रेमी जोड़ों को जो है हैरेस करने का, उनको मारने पीटने का, उनके साथ अश्लील हरकतें करने का काम जो है वो बजरंग दल करता रहा दिया है कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के दल, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो PFI हो, चाहे तमाम इस तरह के जो दल हैं जो कि इस प्रकार की हिंसा फैलाते हैं, दंगे भड़काते हैं और देश का भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं, उन पर बैन लगाया जाएगा, इसमें पीछे कोई कदम नहीं हटाया जाएगा। पहली बात तो मुझे इस बात से एतराज़ है कि एक ऐसे दल को जिसका सीधा संबंध जो है पाकिस्तान से, जिसका तार जुड़े हुए हों, ISI से जिसके तार जुड़े हुए हैं, जो कि तमाम तरह की लिंचिंग में जिसका हाथ है, मर्डर्स में हाथ है, किडनैपिंग में हाथ है, बलात्कार में हाथ है, और तमाम तरह के जितने भी जुर्म हो सकते हैं, तमाम तरह के जो है गुनाहों में जिस दल का हाथ है, उस दल से प्रधानमंत्री जी खुद को कनेक्ट कर रहे हैं और उसको मंच से जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो भी क्या बात कर रहे हैं कि बजरंग बली से उसका कनेक्शन बता रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या किसी अगर ठग का या किसी चोर का या किसी मर्डर का नाम जो है हम ईमानदार सिंह रख देंगे तो क्या वो ईमानदार उसको सर्टिफाइड हो जाएगा कि वो ईमानदार है? या किसी अंधे का नाम अगर नैनसुख होगा तो उसका मतलब ये है कि उसको दिखता है सब कुछ? तो किसी दल ने, अगर दल का नाम बजरंग दल है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो भगवान का सीधा उससे कनेक्शन है या वो भगवान उसको चला रहे हैं। एक ऐसे भगवान का नाम अपने दल के साथ जोड़ना, सबसे पहले तो मैं इसको समझूंगी कि बहुत बड़ा ये जो पाप है ये जो कर रहे हैं, क्योंकि हत्याओं का, अपहरण का, इस तरह का कनेक्शन भगवान के नाम पे, भगवान के नाम से आप कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है, हिंदू धर्म में तो बहुत बड़ा पाप है। और वो बजरंग बली जिन्होंने, जिनका जो पूरी ज़िंदगी जो है वो मानव कल्याण में गुजर गई, उस व्यक्ति का नाम इस्तेमाल कर, उस भगवान का नाम इस्तेमाल करके और इस तरह की हरकतें करना बेहद शर्मनाक है। बजरंग दल का एक किस्सा नहीं है, ऐसे हज़ारों किस्से हैं कि जो मैं आपको अभी आपके चैनल पर बता सकती हूँ, कि चाहे वो आप ले लीजिए जो उसका ISI का कनेक्शन है जिसमें ध्रुव सक्सेना का नाम आया, बलराम का नाम आया, चाहे आप इंस्पेक्टर सुबोध कांत की हत्या का मामला ले लीजिए, चाहे राजस्थान में भी गोरक्षा के नाम पर लाकर और भाजपा शासित हरियाणा में जो है दो युवकों को जिंदा जलाया गया, उसमें बजरंग दल का नाम आया, तमाम गोरक्षा के नाम पर गुंडई और लिंचिंग करने का काम जो है बजरंग दल करता रहा है, तमाम जो है वैलेंटाइंस डे पर जो प्रेमी जोड़ों को जो है हैरेस करने का, उनको मारने पीटने का, उनके साथ अश्लील हरकतें करने का काम जो है वो बजरंग दल करता रहा है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में दो जुड़वा बच्चों की जो है हत्या हुई थी, उनका किडनैपिंग और हत्या का जो आरोपी था वो भी बजरंग दल का ही पदाधिकारी था। इस प्रकार तमाम तरह के गुनाह हैं जिसका बजरंग दल से जो है नाता जुड़ा हुआ है। एक ऐसा दल जो देश में जो है केओस की स्थिति पैदा करता है, गुंडागर्दी का माहौल पैदा करता है, भाईचारा ख़त्म करता है, दंगे करवाने की जो है उसकी नीयत रहती है कि देश में किसी प्रकार से दंगे भड़काए जाए, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और अच्छा, इस आपसे ये जानेंगे कि इस पर मुद्दा ये भी उठाया जा रहा है कि बजरंग दल के साथ में जो है PFI का नाम है, कि बजरंग दल और PFI दोनों को बैन किया जाएगा अगर सरकार आती है, तो एतराज़ ये भी उठा रहे हैं कि बजरंग दल और PFI सिमिलर कैसे है, एक कैटेगरी में कैसे रखा गया है? देखिए, धर्म के नाम पर अगर कोई संगठन बनाया जाता है और फिर उसका राजनीतिकरण करके वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है तो वो सीधा संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। इस तरह के तमाम सारे संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो PFI हो, चाहे और कोई किसी प्रकार का भी इस तरह का दल है जो कि देश में भाईचारा बिगाड़ता हो और धर्म के नाम पर जो है सांप्रदायिकता फैलाने का काम करता हो, उसको फौरन बैन कर देना चाहिए। पहले सरदार पटेल जी ने RSS को बैन किया था और आज जो है कांग्रेस पार्टी इस तरह के दलों को जो भाईचारा बिगाड़ती है देश में और दंगों की स्थिति पैदा करती है और तमाम तरह के धर्म और जात के नाम पर लिंचिंग करने का काम करती है, ऐसे दलों को प्रतिबिंबित करने का काम करेगी।
हमने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया, उसके बाद जैसे ही बीजेपी हमलावर हुई कांग्रेस अब सफाई देती नजर आ रही है, तो क्या कांग्रेस घिर गई है इस मामले पर? बिल्कुल नहीं। आपको कहाँ लगा कि कांग्रेस सफाई दे रही? अगर हमने मैनिफेस्टो में अगर एक बात को कहा है तो हम पूरी तरह से उस पर कायम है और पूरी तरह से तमाम, चाहे पवन खेड़ा जी का बयान ले लीजिए, चाहे तमाम हमारे नेताओं का बयान ले लीजिए, हमने बोला है कि ये बहुत शर्मनाक बात है कि जो देश जब हम आज़ाद हुए थे तो सबसे पहला हमारा दुश्मन जो देश था वो पाकिस्तान था, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि इस देश में शांति व्यवस्था कायम हो। और जो ISI है, पाकिस्तान की जो एजेंसी है, वो लगातार जो है भारत में इस तरह की तनाव की स्थिति पैदा करने का काम करती रही है, और बजरंग दल के जो सदस्य और पदाधिकारी हैं उनका सीधा कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान के ISI के एजेंट के तौर पर कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी जो हैं वो मंच से पाकिस्तान की पैरवी कर रहे थे, या वो ISI की पैरवी कर रहे थे, या इस तरह की पैरवी करने वाले संगठन का वो हवाला देकर या उसके नाम की दुहाई देकर क्या वो ये साबित करना चाहते हैं या ये प्रूव करना, देश को दिखाना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हैं? बजरंग दल को सपोर्ट करने के लिए आज मोदी जी ने जो स्पीच शुरू की उसमें बजरंग बली के नारे लगाए गए, तो बजरंग बली के नारों पर जय होना बजरंग दल को किस तरह का सपोर्ट या बल देता है? देखिए, बजरंग बली जी का जो है संबंध जो है बजरंग दल से जोड़ना, ये अपने आप में एक बेहद शर्मनाक चीज़ है। बजरंग बली जो है वो आराध्य देव हैं हिंदुओं के, और हिंदू उनको बहुत, देखिए हर मंगलवार को बजरंग बली के नाम पे जो है पूजा होती है, पूजा पाठ होती है, प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन अगर उसी बजरंग बली के नाम पर आप लिंचिंग करोगे, आप हत्याएं करोगे, आप मर्डर करोगे, रेप करोगे, तो उसको किस प्रकार से तर्कसंगत माना जाए? ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि अगर उसका नाम बजरंग दल है और उसके नाम भगवान का नाम लेकर आप कोई भी पाप कर लोगे, ये तो कोई तर्कसंगत नहीं है कि बजरंग दल नाम है तो बजरंग बली के जो है नारे लगा दिए जाएं। धर्म के नाम पर कब तक इस तरह का जो है लोगों को बांटने का, समाज को बांटने का काम भाजपा करती रहेगी? कब तक ये मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी जितने भी भाषण हुए, एक भाषण में भी क्या बेरोजगारी के बारे में बात करी है? क्या महिला सुरक्षा के बारे में बात करी है? क्या 40% कमीशन जो इनकी सरकार जो है खा रही है, क्या उस 40% कमीशन के बारे में एक बार भी मोदी जी ने बात करी है कि क्यों नहीं उन लोगों को सजा दी जाती, क्यों नहीं उनको जो है कटघरे में खड़ा किया? क्या आप भ्रष्टाचार की केवल बात करें, जिस तरह से बेटी बचाओ केवल नारा बन के रह गया, जुमला बन के रह गया है, क्या भ्रष्टाचार हटाओ भी क्या केवल इनका जुमला है जो मन से ही भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होकर मोदी जी भाषण दे रहे हैं? अच्छा, हमने देखा कि जैसे ही ऐलान या जैसे ही मैनिफेस्टो पर मुद्दा उठा, छत्तीसगढ़ के CMB कांग्रेस के CMB सामने आ गए और कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को बैन करने पर विचार करेंगे। देखिए, तो क्या कांग्रेस शासित प्रदेशों में बजरंग दल का बैन होना तय समझा जाए? देखिए, ये कांग्रेस ने पहले ही अपना जो है स्टैंड बुक क्लियर कर दिया है कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के दल, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो PFI हो, चाहे तमाम इस तरह के जो दल हैं जो कि इस प्रकार की हिंसा फैलाते हैं, दंगे भड़काते हैं और देश का भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं, उन पर बैन लगाया जाएगा। इसमें पीछे कोई कदम नहीं हटाया जाएगा, किसी भी स्टेट में नहीं हटाया जाएगा, ना ही नेशनल लेवल पे कोई इस तरह का कोई बयानबाजी और या कोई कदम इस तरह का लिया जाएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।